नमस्कार दोस्तों, मैं निधि तिवारी और स्वागत है आपका मेरे चैनल उड़ान जिंदगी की में। दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी है टमाटर और प्याज की सब्जी। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले मैंने गैस पे पैन चढ़ाया है और मैंने इसमें डाला है 1 टेबल स्पून तेल। और जब तेल हमारा गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे जीरा। तो यहाँ पर मैंने 1/2 टेबल स्पून जीरा डाल दिया है। और जब जीरा हमारा ब्राउन हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे कटी हुई हरी मिर्च। मैंने यहाँ पर 2 हरी मिर्च डाली है। अब हम इसमें डालेंगे कटा हुआ प्याज। तो मैंने यहाँ पर 4 प्याज बारीक काट ली है। तो 4 प्याज को मैंने छोटे छोटे टुकड़े में काट लिया है। अब हम इसको लगभग 1 मिनट तक पकाएंगे। हमें इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, लगभग 1 मिनट तक ये हल्का सा कलर चेंज हो जाए। फिर हम इसमें डालेंगे टमाटर। तो मैंने यहाँ पर 4 टमाटर भी काटा है। मैंने 4 टमाटर को छोटे छोटे टुकड़े में काट लिया है। अब हम इसमें डाल के मिक्स कर लेंगे। अब हम मसाले तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ एक बाउल में 1/2 टेबल स्पून पिसी हल्दी, 1/4 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टेबल स्पून पिसी हुई धनिया और 1 पिंच हींग डाला है। अब हम पानी डालकर, इसको थोड़ा सा पानी डालकर हम इसको घोल तैयार कर लेंगे। तो हम इस तरह से मसाले का घोल तैयार कर लेंगे। और अब हम सब्ज़ी में मसाला ऐड कर देंगे। तो मैंने डाल दिया है मसाला यहाँ पर। अब सब्ज़ी चलाने के बाद में अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच दही। तो दही डालने के बाद में आपको इसको लगातार चलाना है अच्छे से उबलने तक, नहीं तो दही फट जाती है। तो हम इसको लगातार चलाते रहेंगे जब तक इसमें उबाल आ जाए। और अब हम इसमें मिक्स करेंगे नमक। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालिए। और फिर हम इसको लगभग 2 मिनट तक ही पका लेंगे। तो दोस्तों, तैयार है हमारी सब्ज़ी। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है हमारी टमाटर प्याज की सब्ज़ी। इसको आप चावल के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं। आप इसको इंजॉय करिए, बनाइए, खाइए, मेरे साथ शेयर करिए। और अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू।